बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई सुफियान फ्रॉम द रीडर्स फिजिक्स 9 चैप्टर 4 लेक्चर आज का है 6 टॉपिक है अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन कर लेते हैं अनस्टेबल की। इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अगर बॉडी अपनी दोबारा वाली पोजीशन पे पहले वाली पोजीशन पे वापस नहीं आती है, व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइट स्टिल्ड, जब उसको थोड़ा सा हलाया जाए, इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे कहेंगे कि ये अनस्टेबल में है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप। एक पेंसिल ली हमने और इसकी टिप जो है, ये टिप आपको नजर आ रही है नीचे, इसकी टिप पे हमने इसको खड़ा करने की कोशिश की है। व्हेनेवर यू लीव इट, जब इसको आप छोड़ेंगे, द पेंसिल टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स टिप, उल्ट जाएगी, ये अपनी टिप से उल्ट जाएगी एंड फास्ट और नीचे गिर जाएगी। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल है। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ए बॉडी मे बी मेड टू स्टे ओनली फॉर अ मोमेंट, अनस्टेबल में बॉडी थोड़ी देर के लिए स्टेबल रह सकती है। दस अ बॉडी इन अनस्टेबल टू कीप इट इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस तरह अब दस अ बॉडी इज अनएबल टू कीप इट सेल्फ इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल, क्योंकि अनस्टेबल में बॉडी ज़्यादा देर तक अपने आप को अनस्टेबल नहीं कर सकती, या जब गिर जाती है तो किसी और हालत में जाकर ये स्टेबल हो जाती है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज एट इट्स हाइएस्ट पोजिशन, जब बॉडी को आप स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो तब वो जब टिप पे खड़ा करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइएस्ट पोजिशन पे होता है। एज द बॉडी टॉपल्स ओवर, जो ही बॉडी नीचे गिरती है अबाउट इट्स बेस, अपनी बेस से, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव टूवर्ड इट्स लोअर पोजिशन, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो हो जाता है एंड डज रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजिशन। इस तरह बात करते हैं न्यूट्रल की। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन हॉरिजॉन्टली सरफेस, बॉल ले लें और उसको एक हमवार सतह पर रख दें। रोल द बॉल ओवर द सरफेस एंड लीव इट आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजिशन, इसको थोड़ा सा हला दें। आप देखिए बॉडी थोड़ी सी, बॉल को थोड़ा सा हलाया हुआ है हमने, इसकी पोजिशन चेंज हो गई है थोड़ी सी पहले से। इट रिमेन इट्स न्यू पोजिशन एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजिशन, जब उसको हला देंगे तो ये नई पोजिशन में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ अ बॉडी रिमेन इट्स न्यू पोजिशन, अगर बॉडी अपनी नई हालत में चली जाए, वेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजिशन, जब इसको पहली हालत में इसको आप डिस्टर्ब कर दें, इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच अ बॉडी इज मूव्ड, हाल तमाम नई हालतें जो हम लेके आए हैं बॉडी को मूव करवा के, आर द स्टेबल स्टेट, यानी बॉडी को मूव करने के बाद भी, मूव करने के पहले भी स्टेबल थी, मूव करने के बाद भी स्टेबल है। एंड द बॉडी रिमेन इट्स न्यू स्टेट इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन एट द सेम हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नीचे नहीं होता, सेम हाइट पर रहता है इरिस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजिशन। देर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अब और भी एग्जाम्पल हैं इसकी, जैसे कि सच एज बॉल है, स्फीयर है, स्फीयर भी गोल चीज़ होती है तकरीबन, ये रूलर है, ये पेंसिल लाइन हॉरिजॉन्टली है, एंड एग लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस, या एग बड़ा हुआ हॉरिजॉन्टली, तमाम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट आपने अनस्टेबल और न्यूट्रल को दोनों एज ए लो क्वेश्चन तैयार करना है, और इसके आपने डायग्राम